वेलकम बैक गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रजनन योग्य पशु की अवस्था कहलाती है। याद रखना कि कब पशु प्रजनन योग्य हो जाता है तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, यौवनावस्था अर्थात प्यूबर्टी। अर्थात आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि जब फीमेल में अंडाणु बनने लगे और मेल में सीमन बनने लगे। याद रखना कि फीमेल में तो कन्या बनेंगे ओविल अर्थात अंडाणु बनेंगे और नर में बनेंगे क्या, सीमन यानी वीर्य बनेगा। तो उसी अवस्था को क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी या यौवनावस्था बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना सकलिंग कहलाता है। ओके, और अलग रखकर, याद रखना कि साथ रखेंगे तो सैसे, याद रखना सह कि साथ रखेंगे तो क्या बोला जाता है, सकलिंग। और बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, तो विनिंग। याद रखना कि साथ रखेंगे तो सकलिंग और अलग रखेंगे तो विनिंग। और विनिंग प्रोसेस मुख्यतः वहाँ पर अपनाई जाती है जहाँ पर डेयरी फार्मिंग हो, तो वहाँ पर डेयरी फार्मर हो पर क्या यूज़ किया जाता है, विनिंग, जिससे क्या होता है कि दूध का लॉस कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय व भैंस को चिन्हित करने का श्रेष्ठ व स्थायी विधि है, तो कौन सी विधि है, टैटूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात बछड़े को उसके शरीर के भार का 1/10 भाग किस अवधि तक पिलाना चाहिए। तो याद रखना कि जब नवजात बछड़ा होता है, ठीक है, तो उसका जो शरीर भार होता है उसका 10वां भाग कब उसको कोलेस्ट्रम अर्थात खीस को ही बोला जाता है। याद रखना कोलेस्ट्रम भी सही बोला जाता है, जो कि कलर में कौन सा होता है, पीला होता है, येलो हल्का पीला होता है, तो उसी कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है नवजात बछड़े में, तो उसको कब पिलाना चाहिए, तो याद रखना 72 घंटे में, तो उसके जन्म के 72 घंटे में ही उसको क्या बनाया जाता है, 1/10 भाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितनी मात्रा में शुष्क पदार्थ देते हैं, यानी ड्राई फ्रूट देंगे उसको, तो वह कितना देते हैं, तो याद रखना कि 2.5 किलोग्राम प्रति है, ठीक है, 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम वजन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस को, याद रखना कि थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है भैंस को बजाय गाय के, तो कितना दिया जाता है, अब आप देख लीजिए कि भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितनी मात्रा में शुष्क पदार्थ देते हैं, तो याद रखना 3 किलोग्राम। अब दोनों को याद रखना कि गाय को तो देंगे 100 किलोग्राम पर कितना, 2.5 किलोग्राम, याद रखना कि, और भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना देंगे, 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं। ओके, दोनों क्वेश्चन को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर पशु के वीर्य को संरक्षित किया जाता है, तो याद रखना एक लंबे समय तक इनको स्टोर करना है अगर आपको सीमन को, तो उसको किस टेम्परेचर पर आप रखोगे जिससे कि वह लंबे समय तक स्टोर रह पाए, तो उसी को याद रखना कि तरल नाइट्रोजन को रखेंगे 1-196 अर्थात -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे, या फिर अगर आप CO2 यूज़ कर रहे हो तो उसमें कितना रखेंगे, -79 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कई बार आपको ये ऑप्शन में दिखेगा, लगभग कई बार एग्ज़ाम में आपके ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हो। आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर बाई चांस आपको देखने मिले कि CO2 में रखेंगे तो कितना टेम्परेचर, तो याद रखना -79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखेंगे। ओके, दोनों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि है, तो याद रखना कि सबसे उपयुक्त यानी सबसे बेस्ट मेथड पूछा है, तो कौन सा होगा, पूर्ण हस्त विधि। और अगर आपसे पूछे कि सबसे खराब मेथड कौन सा हो, तो नकलिंग यानी अंगूठा विधि। ओके, याद रखना कि अगर सबसे बेस्ट पूछे तो है पूर्ण हस्त दोहन विधि और सबसे खराब है अंगूठा विधि, जिसे नकलिंग भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दूध के अपेक्षित घनत्व की गणना करने का सूत्र है, तो याद रखना हम क्या करना है, दूध का रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना अपेक्षित घनत्व बराबर 1+CLR/1000। ओके, अब याद रखना कि यहाँ पर CLR क्या है, यानी करेक्टिव लैक्टोमीटर रीडिंग। एक लैक्टोमीटर होता है जिसकी रीडिंग क्या होती है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख भी वहाँ पाओगे, उसकी रीडिंग होती है 1 से 0 से 40, ठीक है। लैक्टोमीटर की रीडिंग आपको कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि लैक्टोमीटर की रीडिंग क्या होती है, तो याद रखना है 0 से 40 डिग्री। ओके, किसी भी इसका यानी कोई यूनिट नहीं होती, डिग्री नहीं होती, बस इसकी जो होती है रेंज कितनी होती है, 0 से 40। ओके, तो यहाँ पर CLR क्या है, करेक्टिव लैक्टोमीटर रीडिंग, तो लैक्टोमीटर रीडिंग हम इसे ले लेंगे 0 से 40 के मध्य से, ठीक है, तो उसके आधार पर हम दूध का अपेक्षित घनत्व निकाल सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर बात करना, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा पाई जाती है, तो 3% याद रखना, और डबल टोन्ड में कितनी पाई जाएगी, 1.5%। तो टोन्ड मिल्क में क्या होता है कि वसा को, फैट को निकाल लिया जाता है और फिर उस दूध को हमें अवेलेबल कराया जाता है। तो याद रखना कि टोन्ड मिल्क में तो वसा की मात्रा 3% होगी और डबल टोन्ड में 1.5 गुना होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेपरेटा मिल्क में वसा की मात्रा पाई जाती है, तो 0.1%। सेपरेटा मिल्क में कितनी पाई जाती है, फैट 0.1%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो प्रोटीन होती है, अर्थात दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, लैक्टोज। ओके, आपको पता होगा कि लैक्टोज होती है, लैक्टोमीटर के द्वारा उसे मापा जाता है। ओके, कि जो प्रोटीन होती है वह किस फॉर्म होती है, जो लैक्टोज होती है वह किस फॉर्म होती है, तो याद रखना कोलोइडल फॉर्म में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में निर्जमीकरण या स्टेलाइजेशन क्रिया की जाती है, और स्टेलाइजेशन सबसे पहले याद रखते हैं कि स्टेलाइजेशन क्रिया क्यों की जाती है, जो कि यानी कीटाणु नाशक होती है, यानी कीटाणु को ख़त्म करने के लिए स्टेलाइजेशन मेथड अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर रखा गया है, तो याद रखना 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा है। अगर आपको पूछा जाए फारेनहाइट में, दोनों यूनिट में आप याद रखें कि 200 से 221 डिग्री फारेनहाइट और 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और कितने समय के लिए करेंगे, 30 मिनट तक रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में ऋतुकाल अवस्था को कहते हैं पूर्व एस्ट्रस या प्रो एस्ट्रस, पूर्व मध्यकाल। ऋतुकाल अवस्था को क्या बोला जाता है, पूर्व मध्यकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का उबाल बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट जब वह उबलने लगता है तो वह कौन सा होता है, 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। याद रखना कि आप इसे ज़रूर याद रखें, 100.17 है, ठीक है, दोनों पॉइंट को आप याद रखें, 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूध उबलने लगता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में सेलेनियम की अधिकता से होने वाला रोग है। अब आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पशुओं में सेलेनियम की अधिकता से होने वाला रोग है, तो याद रखना डेगा नाला। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि पशुओं से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, याद रखना कि कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग, जो कोई एक संक्रामक डिजीज है और पशुओं से मनुष्य में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में दूध दोहन की दोषपूर्ण विधि है। अभी हमने बात की थी कि अगर सबसे बेस्ट विधि की बात की जाए तो कौन सी होगी, फुल हैंड मेथड या पूर्ण हस्त विधि, जबकि अगर सबसे दोषपूर्ण विधि की बात की जाए तो कौन सी होंगी, नकलिंग या अंगूठा विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ की उदयपुर क्षेत्र में पाई जाने वाले नस्ल है, इसमें अगर एक स्पेशल क्षेत्र दिया गया है कि उदयपुर क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो कौन सी, सोनाडी नस्ल पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में दूधशाला में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन बने होते हैं, तो यहाँ पर बात की गई बर्तन किस पात्र यानी किस मेटल के बने होते हैं, तो याद रखना स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ओके, स्टेनलेस स्टील के ही मेथड जो बर्तन बने होंगे उन्हीं का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अगर अदर होंगे तो उस पर क्या होता है, दूध जमने लग जाता है। ओके, और जो स्टेनलेस स्टील होता है तो इसके सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं दुग्धशाला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं के बालों व त्वचा को ब्रश से साफ करने को कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, ग्रूमिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन से प्राप्त आय का प्रतिशत है, तो आप याद रखना कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में किसका योगदान है, तो याद रखना भेड़ का। ओके, और कितना परसेंट है, 19%, ये तो सभी का है, लेकिन अगर आपसे स्पेशल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में किसका योगदान है, तो आपका राइट आंसर होगा भेड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचित क्षेत्र में 1 हेक्टेयर में कितनी गायें पाली जा सकती है, तो ये होती है ना कि स्पेसिंग कितनी रखी जा रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि 1 हेक्टेयर में कितनी गाय पाली जा सकती है, तो 8 से 10 गायें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु के ब्याने से 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद करना क्या कहलाता है, तो याद रखना ड्राइंग या सुखाना कहलाता है। अब ये क्रिया ज़रूरी होती है क्योंकि दूध अच्छा लेने के लिए, यानी जो हमको मिल्क प्रोडक्शन अगर अच्छा लेना है तो उसके लिए ड्राइंग क्रिया आवश्यक होती है, अर्थात जब हमारी जो बफेलो वगैरह भी आए तो उससे 60 दिन पहले हम क्या करते हैं, दूध निकालना बंद कर देते हैं, उसी क्रिया को ड्राइंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु के दो मध्यकालों की शारीरिक क्रियात्मक घटना चक्र कहलाता है, तो कौन सा होता है, हीट साइकिल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रति गाय औसत दूध प्राप्त होता है 2.5 लीटर, और राजस्थान में प्रति भैंस औसत दूध प्राप्त होता है 3.75 लीटर। ओके, याद रखना कि गाय का तो कितना है, 2.5 लीटर, और भैंस का कितना है, 3.75 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रति बकरी औसत दूध प्राप्त होता है 0.25 लीटर, और राजस्थान में एक भेड़ से एक वर्ष में औसतन दूध प्राप्त होता है, औसतन ऊन सॉरी
ऊन प्राप्त होता है 1.5 किलोग्राम यानी 1.2 किलोग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी द्वारा झाड़ियों व पेड़ों की पत्तियों को खाने को कहते हैं। याद रखना एक क्रिया होती है कि भेड़ का झाड़ियों व पेड़ों को पत्तियों को खाना क्या कहलाता है, ब्रूसिंग कहलाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं को खूंटे पर बांध कर पालने की सर्वश्रेष्ठ विधि। तो याद रखना दो विधि होती है पशुओं को पालने की, एक तो है होती है हेड टू हेड और एक होती है टेल टू टेल मेथड। तो याद रखना कौन सी सबसे बेस्ट होती है, टेल टू टेल मेथड। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की सही उम्र ज्ञात करने की विधि है दांतों को देखकर। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आप याद रखें कि खूंटे पर बांध कर रखने पालने की तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, पूंछ से पूंछ विधि अर्थात टेल टू टेल मेथड, और सही उम्र ज्ञात करने का कौन सा मेथड है, दांतों को देखकर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर की गाय की किस नस्ल का रंग धब्बे युक्त लाल व कान पत्ती के समान होते हैं। अब इसको आप याद रखना कि कान पत्ती के समान होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाय की कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्ती के समान है, तो याद रखना कौन सी है, गिर, जिसका अगर नेटिव स्थान यानी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कौन सा होता है, काठियावाड़ गुजरात। गिर का कौन सा होता है, काठियावाड़ गुजरात। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्रा भैंस का औसतन दूध उत्पादन प्रति ब्यावत होता है, तो 1360 से 2270 लीटर प्रति ब्यावत। ओके एक ब्यात होती है जब से वह दूध यानी जब से वह ब्याती है तो उस दुग्ध काल को जब तक वह दूध देती है तो उसी जो मध्य का जो काल होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रति ब्यात। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी की नस्ल जो सफ़ेद रंग रोमन नाक लंबे लटकते कान से जानी जाती है, तो याद रखना जमुनापारी। तो आपको इसको जरूर याद रखना है कि रोमन नाक बकरी की कौन सी नस्ल है जो कि रोमन नाक आपको उपनाम भी मिल सकता है कुछ भी मिल सकता है, तो रोमन नाक आप याद रखें कि किसको बोला जाता है, जमुनापारी को बोला जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी नस्ल जिसकी त्वचा पर लाल पीले धब्बे व छोटे सिंग जो घर पर बांध कर पालने के लिए उपयुक्त है अर्थात सिटी गोट किसे बोला जाता है। ऐसे आप ऐसे भी याद रखें कि सिटी गोट किसे बोला जाता है, तो कौन सी है, बारबरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भारत के कितनी प्रतिशत ऊँट पाए ले जाते हैं, तो 75%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग केसिन के फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया केसिन, तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह किसके कारण होता है, केसिन के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध का सफ़ेद रंग होगा केसिन के कारण, और अगर आपसे पूछा जाए पीला रंग तो होगा कैरोटीन के कारण। ठीक है याद रखना दोनों पॉइंट को कि सफ़ेद रंग है केसिन के द्वारा और कैरोटीन के द्वारा होता है पीला रंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में लैक्टोज को जीवाणु किण्वित कर बदल देते हैं लैक्टिक अम्ल में, तो लैक्टोज क्या होते हैं, लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं। ठीक है फर्मेंटेशन की क्रिया होती है तो उसके द्वारा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की अम्लता से अधिक होने पर दूध फट जाता है, तो यानी 2% याद रखना 0.2% अगर अधिक अम्लता होगी दूध में तो वह क्या होगा, फट जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर में 0 से 40 तक अंक अंकित होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात ही किया था लैक्टोमीटर में रीडिंग कितनी होती है, याद रखना 0 से 40 तक। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है याद रखना कि लैक्टोमीटर में रीडिंग कितनी होती है, तो 0 से 40 तक, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसको भी आप स्पेशली याद रखें कि लैक्टोमीटर की कोई भी रीडिंग नहीं होती है, केवल 0 से 40 तक अंक लिखे होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घी में 99% वसा होती है, लेस देन अर्थात 0.5 से कम जल होता है, 0.5% होता है स्वतंत्र वसा पाई जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से बनने वाले उत्पादों में जो सर्वाधिक निर्माण होता है किसका होता है, घी का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के कुल उत्पादन का 28% घी बनाने के काम आता है, घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ओके और घी को संरक्षित संग्रहित 0 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, और वसा रहित दूध को क्या बोला जाता है, स्किम्ड दूध। क्या बोला जाता है, वसा रहित दूध को स्किम्ड दूध या सेपरेटा दूध कहा जाता है। ओके तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। I'm not afraid to die.